आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसमें कितना जोखिम का अंदाजा इससे लगाइए, उसे समझने के लिए आपको इस ऑपरेशन में अब तक हुई घेराबंदी और तैयारी की पूरी कहानी दिखाते हैं। जम्मू में पाकिस्तान से लगती एलओसी के करीब दहशतगर्दों को घेरने के लिए बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल्स उतारे जा चुके थे। अखनूर के चोकवान इलाके में हुई फायरिंग के बाद एक के बाद एक चार बीएमपी कॉम्बैट व्हीकल्स पहली बार इलाके के जंगलों की घेराबंदी करने पहुंचे थे। सेना की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर एनएसजी के कमांडोज तक जमीन पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए उतारे जा चुके थे। ऊपर आसमान से सेना का हेलीकॉप्टर जंगलों में छिपे आतंकवादियों की टोह ले रहा था। नदी के दोनों ओर पुलियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने मोर्चा ले रखा था। खेतों खलिहानों से होकर सेना के बख्तरबंद वाहन दहशतगर्दों के करीब से करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जंगलों और झाड़ियों के बीच पूरी तैनाती के बाद जब ऑपरेशन चालू हुआ तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। यहाँ पर बताते चले कि सुबह 6 बजे जब स्कूल के बच्चे मंदिर में माथा टेकने के लिए गए तो बच्चों ने देखा कि वहाँ पर मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों को देखा, आतंकवादियों ने उन बच्चों को डरा धमका कर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर आर्मी का एक काफिला जो है वो गुजर रहा था, जिसको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन जंगलों में आतंकवादियों को घेर कर ढेर करने के लिए इस बड़े ऑपरेशन में सेना के 32 फील्ड रेजिमेंट के जवानों से लेकर 9 पैरा एसएफएनएसजी कमांडोस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस तक के जवान उतारे गए हैं। सोमवार को करीब पहले 4 घंटे के अंदर एक आतंकवादी के मारे जाने के बाद दिन भर रुक रुक कर फायरिंग होती रही और जब सेना ने ड्रोन से तलाशी ली तो 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर सामने आई। मंगलवार को भी सुबह 2 बड़े धमाकों के बाद जबरदस्त फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा था और फिर सेना की ओर से तलाशी अभियान जारी रखा गया था। यह पूरा ऑपरेशन तब शुरू हुआ था जब सोमवार की सुबह आतंकवादियों ने अखनूर के चोकवान इलाके में सेना की एम्बुलेंस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। अखनूर से नीरज शर्मा के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक। अखनूर के एसएसपी इस मामले में क्या और जानकारी दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को कार्डन किया गया। कार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था, रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को कार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में, क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है, जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ जो है बाद में आप लोगों को। मीर फरीद हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मीर फरीद, जिस तरह वो बता रहे हैं कि अभी टोटल 3 आतंकवादी जो हैं वो ढेर किए गए हैं, क्या इलाके में अभी और भी ऐसे आतंकी हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है सुरक्षा एजेंसीज के ऐसे ऑपरेशन के बाद, जब भी उनको पुष्टि मिलती है कि जो मिलिटेंट है मारे गए हैं, उसके बाद जिसको आप कहेंगे स्वीप या सैनिटाइजेशन जो ऑपरेशन रहता है वो चलता है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होते कि इलाके में जो है और कोई मिलिटेंट नहीं छुपा है। तो वो अभी वो प्रोसेस चलेगा और ये हमेशा से रहता है सेना और सुरक्षा बलों का कि पूरे इलाके को छान मारेंगे और उसके बाद ही जो है ऑपरेशन क्लोज होगा। लेकिन जहां तक मुठभेड़ की बात है, खत्म हुई है और बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि 3 जो नॉन लोकल मिलिटेंट उनको मार गिराया गया है। बॉडीज भी तकरीबन 2 रिट्रीव हुई हैं, 1 अभी मिल जाएगी, क्योंकि ड्रोन फुटेज की बात करें तो साफ ड्रोन ने जो है 3 डेड बॉडीज दिखाई हैं।
जो जिस जगह पे मुठभेड़ हो रही थी वहां पे कल से ही ऑपरेशन चल रहा था। पहली बार हमने देखा कि इसमें एनएसजी की टीम भी आई थी और जो लाइट कॉम्बैट इन्फेंट्री व्हीकल हैं उनको भी जो है इस्तेमाल किया सेना ने ताकि बाहरी दायरे को जो है मजबूत किया जाए। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस आतंकी हमले में सेना ने अपना एक जाबाज डॉगी खोजी डॉग फैंटम को गवा दिया। व्हाइट नाइट कॉप्स ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि जैसे ही हमारे सैनिक आतंकवादियों के करीब पहुंच रहे थे फैंटम ने दुश्मन की गोलियों को अपने ऊपर ले लिया और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी बहादुरी, वफादारी और समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। फैंटम का डेट ऑफ बर्थ 25 मई 2020 था और उसे 12 अगस्त 2022 को आर्मी में पोस्ट किया गया था। इस तरह अपने जवानों की जान बचाते हुए दुश्मन के हाथों शहीद होते वक्त उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी। आपको दिखाते हैं कि अखनूर में जिस ऑपरेशन में 2 दिनों से आतंकवादियों का डेरा डालकर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, दरअसल वो शुरू कैसे हुआ, कैसे पता चला कि अखनूर के जंगलों में आतंकवादी छिपे हैं, आपको पूरी घटना बताते हैं। जम्मू कश्मीर में ये धमाके लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अखनूर के इलाके में हो रहे हैं। दूर जंगली इलाके में हर धमाके के बाद उठता धुआं और धमाके के शोर से दहलता इलाका, ये अखनूर में आतंकी हमले के बाद सेना की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। सेना के इस कार्रवाई में एक आतंकवादी के ढेर होने की खबर है, जबकि 2 से 3 आतंकवादियों की तलाश में घेरा डालकर तलाशी चल रही थी। आतंकवादियों के खिलाफ ये अभियान तब शुरू हुआ था जब सुबह सुबह अखनूर के जोगवान इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना के एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। आतंकवादियों की गोलियों से छलनी हुई एम्बुलेंस की तस्वीरें देखिए। इस एम्बुलेंस पर ना जाने कितनी गोलियां चली कि कम से कम 21 गोलियों के निशान इसके चारों ओर नजर आ रही है। पूरा एक ऊपर भी राउंड है, ऊपर मैं बोल रहा हूँ ना, कौन से एंगल से मारा है इसको, कौन से एंगल से मारा है ये, वो देख अंदर जाके वहाँ लगा हुआ है, वो देख, वो वहाँ देखो, वो छोड़ दो, ये देख, ये फाड़ दिया है, ये वाला राउंड देखना यार, ये बैटरी में, ये यहाँ से निकला है, देख ये दिख रहा है, ये देख तार में फाड़ के निकल गया, ये तार फट गया। ये उस एम्बुलेंस की तस्वीर है जिस पर घात लगाए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। हालांकि इतने खतरनाक हमले के बावजूद इस एम्बुलेंस को ड्राइवर सकुशल लेकर वहां से भागने में कामयाब रहा और फौरन ही आतंकवादियों की घेराबंदी करके ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये हमला अखनूर के पट्टल इलाके में सुबह करीब 7:25 के आसपास हुआ, जब सेना के एम्बुलेंस जोगवान इलाके के शिवसन मंदिर के पास से गुजर रही थी। हथियारबंद आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, इसके बाद 32 फील्ड रेजिमेंट के जवानों ने फौरन इलाके को घेरकर तलाशी शुरू कर दी। चंद मिनटों के अंदर ही आतंकवादियों को घेरने में कामयाबी हासिल हुई और खबर है कि कुछ ही घंटों के अंदर एक आतंकवादी मारा भी जा चुका था। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।